आज मुझे जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने देखा एक बहुत ही सुरम्य, बहुत ही सुंदर एक गार्डन है, बहुत बड़ा। और ये ऐसा लग रहा था जिसे किसी माया नगरी में हो। और शूटिंग चल रही थी, कैमराज लगे हुए थे हर तरफ, और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रोग्राम चल रहा था। और इसमें मैंने देखा कि फिल्म जगत की सुपरस्टार एक्ट्रेस इसे होस्ट कर रही थी। और मैंने देखा कि वो जो सुपरस्टार एक्ट्रेस थी, उनके हाथ में माइक था और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वो वहाँ पर गेस्ट के रूप में आए थे शाहरुख खान, जी हाँ, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये स्थान बहुत ही प्यारा था, बैठने की अच्छी व्यवस्था थी एक तरफ, बहुत ही शानदार। और ऐसा लग रहा था किसी फाइव स्टार होटल में जो लॉन होता है वैसा दृश्य लग रहा था। और वहाँ पर एक स्टॉल भी था और बहुत ही प्यारा कन्फेक्शनरी स्टॉल था वैसे वो। और उस स्टॉल पर मुझे दिखाई दिए करण जौहर, जी हाँ। और करण जौहर में खास बात थी उनकी हेयर स्टाइल, और ऐसे फूले हुए जो बाल होते हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए वैसे थे उनके हेयर स्टाइल। और उसके लिए मुझे फ़ोटोग्राफ ढूंढने पड़े, तो मैं ढूंढ रहा था कि ज़्यादा सूटेबल कौन सा फ़ोटोग्राफ लगेगा उनका जो मैंने दृश्य में देखा था। और हालांकि एग्जैक्ट वैसा तो नहीं मिला, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कुछ विशेष ही था। देखिए, वहाँ पर शाहरुख खान साहब गेस्ट के रूप में आए हुए थे, और मैंने देखा कि उन्होंने एक टास्क दिया 60 मिनट का, और उसमें उस पूरे के पूरे गार्डन में घूम करके, और पूरे के पूरे गार्डन में घूमना था। वहाँ पर एक टॉय ट्रेन देखी मैंने। अब उस टॉय ट्रेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, या फिर वो इसी प्रकार से बनाई गई थी कि वो पीछा कर रही थी हमारा। यहाँ पर मैं था और मेरे साथ थे भगवान कल्कि अवतार के तीसरे प्रोटोटाइप, जो कि बालक का रूप है, वो थे। और हम उसमें इधर से उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे पूरे के पूरे लॉन में, और वो टॉय ट्रेन हमारा पीछा कर रही थी। हम उससे पीछा छुड़ाने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर भाग रहे थे। और ये एक खेल था, ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत ही प्रसन्नता का माहौल था और हम खेल रहे थे। फिर देखिए क्या हुआ, उसके बाद में जो सुपरस्टार एक्ट्रेस थी उन्होंने हमको वापस बुला लिया और हम वापस गए। तो 45 मिनट हो गए थे और केवल 15 मिनट का समय और बचा था उस टास्क के लिए। तब उन्होंने कहा कि आप अपने खुद के हिसाब से खेल सकते हैं। तो देखिए हम क्या किया, हमने हम गए जो स्टॉल था ना वहाँ गए,
और वहाँ स्टॉल पर देखा हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, पर यहाँ पर हमने जो करण जौहर साहब खड़े हुए थे उनको देख करके हम वहाँ गए थे। अब हम वहाँ पहुँचे तो पता नहीं कहाँ चले गए वो तो, और उनका स्टाफ वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो मुझे भगवान को कुछ खिलाना था तो मैंने 10 रुपये निकाले और 10 रुपये और निकाले, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 20 रुपये का वहाँ पर जैसे अलग अलग प्रकार की टॉफ़ीज़, अलग अलग प्रकार के बिस्किट्स, अलग अलग प्रकार के केक रखे हुए थे, तरह तरह की पेस्ट्रीज़ वगैरह, तमाम तरह की चीज़ें, नई नई ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, इस प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर रखी हुई थी। और मैं पूछ रहा था ये क्या है, ये क्या है, और सिर्फ 20 रुपये मैंने अपनी जेब से निकाले और ख़रीदने के लिए कहा। देखिए वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पापा जो है ना वो भी पता नहीं कहाँ से आ गए और हमें देखने लगे, तो मतलब ऐसा दृश्य देखा मैंने। अच्छा, इस पूरे दृश्य में भगवान कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, बस वो मेरे साथ साथ दौड़ रहे थे इधर से उधर। फिर हम बस ये दृश्य यहीं पर समाप्त हो गया। और देखिए जो भी आध्यात्मिक दृश्य मुझे दिखाए जाते हैं ना, तो उन सभी दृश्यों में एक अतिमानसिक शक्ति होती है और सामर्थ्य होती है कि वो दृश्य भविष्य की घटनाक्रम बना सकते हैं। जी हाँ, और ये मेरी जो निजी जिंदगी है उससे संबंधित होते हैं, पर प्रतीकात्मक रूप में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और ऐसे ऐसे स्थान जो मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखे, क्योंकि भगवान तो जहाँ चाहे वहाँ के दृश्य हमें दिखा सकते हैं। और न तो माया नगरी, न ही सारे संसार की भव्य स्थान भगवान की अनुभूतियों से बाहर हैं, और भगवान हमको जो भी दृश्य दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। और मैंने तो जो दृश्य देखा उसे ज्यों का त्यों आपको बता दिया। और टॉय जो ट्रेन थी वो ग्रीन कलर की थी, एक के पीछे एक डिब्बे लगे हुए थे, उसमें छोटी सी ट्रेन थी और वो चल रही थी। वो किसी पटरी पर नहीं चल रही थी, वो उस लॉन में ही चल रही थी और हमारे पीछे पीछे आ रही थी, और हम उससे बचने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर हम दौड़ रहे थे। और हाँ, इस दृश्य में मैंने देखा कि जब वो 15 मिनट का समय हमको एक्स्ट्रा दिया गया ना, 45 मिनट तक तो हम इधर उधर ट्रेन से बचने के लिए और इधर उधर खेल खेलते रहे, बाद में हमको वहाँ बुला करके और 15 मिनट का समय और एक्स्ट्रा दिया गया। तो उस समय में जब मैं दौड़ करके गया तो उस गार्डन के हिस्से से मैंने देखा कि वहाँ पर एक पगडंडी बनी हुई है, जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है ना, उस प्रकार से एक पगडंडी सी बनी हुई थी, उसी पर पैर रखते हुए हम वहाँ से गुजरे। और हमको बताया गया, मतलब हमें समझ में आया कि वहाँ की जो ज़मीन थी उस ज़मीन में टमाटर के बीज बोए हुए थे, और
हमको लगा कि ये बीज वगैरह जो बोए हुए हैं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम उस पगडंडी पर पैदल चलते हुए और स्टॉल तक गए। और ये सारा का सारा दृश्य मैंने देखा था और मैंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाने की और ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को कहने की कोशिश की।